दोस्तों ऋषभ पंत के लिए इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दिल्ली क्रिकेट टीम के कप्तान व रुड़की निवासी ऋषभ पंत के पिता राजेंद्र पंत का बुधवार रात असामयिक निधन हो गया। इससे रुड़की में शोक की लहर दौड़ पड़ी। घटना की सूचना पाकर बेटी साक्षी व क्रिकेटर बेटा ऋषभ भी रुड़की पहुंच गए। गुरुवार को उनका हरिद्वार में अंतिम संस्कार कर दिया गया। ऋषभ पंत के पिता राजेंद्र पंत रुड़की के अशोक नगर दंडेरा में स्कूल चलाते थे। बुधवार शाम को घर पर उनकी तबीयत खराब हुई, इस पर वो बेड पर लेट गए। रात करीब 9 बजे उनकी पत्नी सरोज पंत ने उन्हें खाने के लिए उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं उठे। इस पर सरोज पंत ने घर आई अपनी बहन मीतू, आनंद सिंह तोमर व उनके मकान में रह रहे प्रेम बल्लभ भट्ट को बुलाया। सभी उनको अस्पताल ले गए, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उनका निधन हो गया। इसके बाद रिश्तेदारों ने उनकी बेटी साक्षी व बेटे ऋषभ को मामले की सूचना दी और घर बुलाया। ऋषभ सुबह 4 बजे घर पहुंचे। इसके बाद वहां काफी संख्या में लोग उमड़ पड़े। इसके बाद उन्हें हरिद्वार ले जाया गया, वहां उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ऋषभ पंत फिलहाल आईपीएल के मुकाबलों में भाग ले रहे हैं। कोच अवतार सिंह ने बताया कि पिता के असामयिक निधन से ऋषभ काफी आहत थे, लेकिन कोच अवतार सिंह ने उन्हें सचिन तथा अन्य खिलाड़ियों के पिता के निधन के बावजूद देश के लिए खेलने की याद दिलाई, साथ ही शानदार खेल दिखाकर पिता के सपने को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।